Hey everyone, hope you all are good. And as you all know, this is the very first video that I'm making for you guys, and I'm going to cover the 9th chapter of your history book. Of your SST book and from the portion history. Well, as you all know, आपका book जो है वो 3 parts में divided है, एक history, एक geography और एक है आपका civics, जिसको आप political life ऐसे करके जानेंगे, ठीक है? Next one is the third one is civics. History, geography and civics करके ये divided है. पहले रन geography है. ठीक है, पहले ज्योग्राफी है एंड देन यहाँ पे आपका हिस्ट्री है. तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो है वो ज्योग्राफी के चैप्टर्स है, कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स है और कुछ सिविक्स के चैप्टर्स है. यहाँ पे हम सबसे पहले अभी जो है हिस्ट्री की बात करने वाला है. हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज आपके बुक का जो 9th चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. पर उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे हैं, या फिर मैं ये कह लूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले, जो वेकेशन से पहले मैंने क्लासेस लिए थे वो अटेंड किया था, और वहाँ पे भी आप ये बोलेंगे कि हमने सेम क्लास अटेंड किया था. एंड यस, आई नो कि आप लोगों ने सेम क्लास ही अटेंड किया था और सेम ही टॉपिक्स हमने कवर किए थे, बट स्टिल आई विश कि आप लोगों को कुछ इसमें नया मिल जाए, कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए. लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, ऑलराइट? एंड प्लीज डोंट गेट बोर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का जो नाम है, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री. आई होप यू कैन से इट. सो इट्स एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. यहाँ पे हम वेन, वेयर एंड हाउ के बारे में बात करने वाले हैं, कब, कहाँ और कैसे चीजें हुई थी. वेल, ऑलरेडी हमें नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो चुका है कि हम इंट्रोडक्शन सिर्फ देखेंगे. हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की, हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली, हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, हिस्ट्री में जो अलग अलग टाइम फ्रेम बटे हुए हैं, कुछ प्री हिस्ट्री करके बोला जाता है, कुछ हिस्ट्री करके बोला जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, या फिर कुछ टर्म्स जो हमको मिलते हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने के दौरान कि BC AD करके, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जानना है एंड नथिंग एल्स. और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो चीज़ होता है, इट मीन्स कि कहाँ से आपको, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है. तो अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हमने बोली कि हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली हिस्ट्री इज. उससे पहले कभी भी वंडर किया है, ये सवाल आपका बुक भी आपसे करता है, एंड आई एम आस्किंग यू आल्सो, कि कभी वंडर किया है आपने, कभी सोचा है चीज कि आज जो हम इतने हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, इतना एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ हम एक लाइफ जीते हैं, हर वक्त हमारे फोन में, सॉरी, हर वक्त हमारे हाथ में स्मार्टफोन होता है ना, हम उसको चलाते हैं और कुछ भी चीज़ हमें करना हो उसी में कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे साथ, हम कपड़े ऐसे पहनते हैं, ठीक है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं, क्या हमेशा से ये चीज़ें ऐसी ही चलती चली आ रही थी? बिल्कुल नहीं, राइट? तो ऐसे कुछ जो सवाल है हमारे, हम पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे हम क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी जगहों में रहते थे, या फिर क्या काम करते थे टू लिव आवर लाइफ, ठीक है, मतलब अपना जीवन कैसे जीते थे हम, इन सभी सवालों का जो जवाब है वो हमें हिस्ट्री के अंदर मिलता है. वेल, एज यू ऑल नो कि हिस्ट्री का जो हिंदी मीनिंग होता है, दैट इज इतिहास. और हिस्ट्री में हम इतिहास के बारे में, अबाउट आवर पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं कि पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो कैसे लाइफ स्पेंड करते थे, उन लोगों के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं जिसकी बदौलत आज हम इतना एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं. तो ये सभी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली हिस्ट्री इज, हिस्ट्री जो है ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ द पास्ट इवेंट्स, मतलब व्हाट हैव हैपेंड इन द पास्ट, उसी चीज़ का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, मतलब एक ऑर्डर में कुछ रिकॉर्ड की गई कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आज पढ़ते हैं और फिर हम पास्ट के बारे में नॉलेज ले पाते हैं. अब पास्ट इन द सेंस, अगर मैं हिस्ट्री की हिस्ट्री का नाम लूँ तो पास्ट में वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी मीन्स जो एकदम एंशियंट टाइम, जब लोगों के पास आग, जब लोग आग नहीं जला पाते थे, जब लोगों ने व्हील का इन्वेंशन नहीं किया था, ठीक है, उस टाइम के बाद की फेज की बात करें, राजा महाराजाओं का जो टाइम था, ठीक है, उसके भी बाद की बात करें तो अब हमारा जो हमारी कंट्री की ही बात कर लेते हैं, स्वाधीनता की बात कर लेते हैं, कि इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम की बात, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, इनफैक्ट हमारे 10-1 साल पहले की जो भी चीज़ें हुई है, जो कल तक भी चीज़ें हुई है, वो सभी जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है हमारे पास्ट में. तो हम अपने जो पास्ट को रीड करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है. हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स के
पास्ट इवेंट्स को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें अगर जानना हो अबाउट द अर्ली पीपल के बारे में, ठीक है, अर्ली पीपल के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम स्टडी करेंगे हमारे जो हिस्ट्री की जो हमारे सामने प्रेजेंट है सोर्सेज, जो थियोरीज हमारे सामने है, उन सभी चीज़ों को रीड करेंगे, राइट. यही चीज़ एग्जैक्टली होता है हमारा हिस्ट्री, study of the past events in a systematic order, study of the past events in a systematic order, इसी को हम history मतलब history कहते हैं, exactly systematic records को ही हम history कहते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जो history है वो सिर्फ एक ही field तक कि हाँ लोगों ने कैसे जिया, जीने में लोगों ने कहाँ पे रहे, कहाँ क्या उन लोगों ने खाया, क्या पहना, सिर्फ यही चीज़ें include नहीं होती है. इस चीज़ों के साथ साथ जो life हम आज जीते हैं अगर हम उस time पे compare करें तो लोगों का खाना पीना रहना सहना इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन लोगों ने अचीव किया और वो करते चले आए. और उसके अलावा भी जो जैसे जैसे वो आगे थोड़े बढ़ते चले गए, जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते चले गए, तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो राजा महाराजाओं ने कौन सा युद्ध किया, कौन से जगह को उन लोगों ने कॉन्कर किया, ये सभी चीज़ें भी हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. उसके अलावा लोगों का कल्चर क्या था, क्या उन लोगों की रिलीजियस बिलीव्स थी, या फिर अभी जैसे हम बीमार पड़ते हैं, हम तो उस टाइम पे भी वैसे ही बीमार पड़ते होंगे, है ना, इंसान उस टाइम पे भी वैसे बीमार पड़ते होंगे, तो उस टाइम के लिए मेडिकल फैसिलिटीज क्या थी, या फिर कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता था, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे मिलती थी, ये सभी चीज़ें भी हम उसके अंदर पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आ गया कल्चर हमारा, इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ आ गया, सोसाइटी उन लोगों का कैसा चलता था, वो लोग खाना पीना रहना सहना कपड़ा ये सब कुछ तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा ही, वॉर कॉन्क्वेस्ट इन सब के चीज़ों के बारे में भी, ठीक है. ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी हमें पास्ट पास्ट की इंफॉर्मेशन देती है, मतलब इन सभी के बारे में हम पास्ट में कैसे हुआ था ये चीज़ वो चीज़ करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि हम थ्रू हिस्ट्री ले पाते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट हिस्ट्री इज आपका बुक जो मेंशन करता है कि हिस्ट्री में भी डिफाइंड एज अ केयरफुल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटीरियल रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स. अच्छा, अब जो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे तो कोई ऐसा इंसान रहा नहीं होगा जो उस टाइम, या फिर ऐसा कोई पर्सन अभी हमारे बीच में तो होगा नहीं जिसने हमें इन उन सभी के बारे में बताया होगा जो उस टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा हो और फिर उस इंसान ने बता दिया कि हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था करके और हमने बस रिकॉर्ड कर लिया उस चीज़ को. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, राइट, क्योंकि कब तक इंसान जिंदा रहेगा, तो उस टाइम से तो कोई जिंदा रहा नहीं होगा. तो हम कैसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन थ्रू सोर्सेज कलेक्ट करते हैं. इट मीन्स जो जिस जगह पे वो लोग रहते थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिग करते हैं, मतलब खोदते हैं उन जगहों को और फिर उनके कुछ रिमेन्स, कुछ जो मटेरियल्स वो लोग यूज़ किया करते थे अपने घरों में, फॉर एग्जांपल पॉट्स, उन लोगों की ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें जो उन लोगों का एक्सकवेशन के बाद उनको मिलता है उन्हीं सबको वो स्टडी करते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हीं सबको स्टडी करते हैं कि ये किस टाइम पे रहा होगा, किसने पहना होगा, ठीक है, अगर ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये किसने पहना होगा, किस टाइम का रहा होगा, टाइमिंग वगैरह सब कुछ वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे सामने एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं और फिर हम उसी चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली हिस्ट्री के अंदर आती है. एंड देन द नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी वन फील्ड. जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला कि सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ एक ही फील्ड तक कन्फाइंड नहीं था. साइंस, साइंस उन लोगों का लिटरेचर, या फिर कल्चर, या उनकी उनका सोशल लाइफ कैसा चलता था, सभी कुछ जो चीज़ें हैं वो सब कुछ हम हिस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली पढ़ते हैं. अब हम एक और चीज़ आते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज द रिकॉर्ड्स और इवेंट्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन. हिस्ट्री वर्ड से एक और वर्ड हमें मिल गया है यहाँ पे कि हिस्टोरियन, राइट. यहाँ पे हिस्ट्री था एंड देन यहाँ पे हिस्टोरियन. तो हिस्टोरियन जो होते हैं, जो पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज हिस्टोरियन. हिस्टोरियन एक पर्सन हो जाता है जो कि हिस्ट्री को, हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स हैं उन सबको स्टडी करता है, उन सबको रिकॉर्ड करता है. और राइट, इसके अलावा ये जो हिस्टोरी है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि जिसको फादर एक सेकेंड लेट मी टेल यू कि हेरोडोटस एक पर्सन थे, आपके बुक में भी मेंशन है, यू कैन सी देयर आल्सो कि हेरोडोटस जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे वो भी हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया था, पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड या फिर यू नो स्टडी किया था.
एंड देन वो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस, एंड वो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, मतलब इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं. एंड इट वॉज ही हु इन्वेंटेड द वर्ड हिस्ट्री. ही सेड हिस्ट्री मीन्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट टाइम. और ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री है जिसका नाम है हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है, ग्रीस देश के लोगों को ग्रीक बोला जाता है एज यू ऑल नो, तो वो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिन्होंने हिस्ट्री वर्ड को डिफाइन किया था. उन्होंने ये वर्ड दिया और बोला कि हिस्ट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्टडी या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट इवेंट्स का स्टडी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसी को हम कहते हैं हिस्टोरी. और राइट, तो हिस्ट्री हो गया एग्जैक्टली ये चीज कि जब हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं, पास्ट जितने भी बड़े इवेंट्स हो गए दैट काउंट्स अंडर हिस्ट्री. तो पर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है, क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. तो कई बार हम क्या कहेंगे, कई बार हम कहते भी है कि जो चीज हो गया हम क्यों पढ़े करके, है ना, तो ये चीजें हम कहते हैं कई बार, पर हिस्ट्री पढ़ने का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज हम समझते हैं. सी, हिस्ट्री के थ्रू हम जान पाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट वाइज अगर लेके चले तो हिस्ट्री के ही थ्रू हम जान पाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं. इट मीन्स जो हमारे पास आज इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है ना, वो कैसे हुआ, या फिर हम इन हम इन सब के एज में हैं, पर हमसे भी पहले कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर पाए, वो इन सब चीज़ों को काइंड ऑफ कंज्यूम नहीं कर पाए इन सभी चीज़ों को, तो ऐसे भी लोग थे. और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने इसको बनाया, उनके बारे में भी हम जान पाते हैं. तो हिस्ट्री हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट आर पास्ट, अबाउट आर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देती है. देन यहाँ पे पॉइंट वाइज चलते हैं. एज पर योर बुक इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट अ पास्ट, थ्रू इट वी कम टू नो अबाउट एंसेस्टर्स, देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द ग्रेट अचीवमेंट्स दे मेड. हिस्ट्री के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि उन लोगों ने फायर की डिस्कवरी कैसे की, या फिर फायर का इन्वेंशन कैसे किया उन लोगों ने, व्हील का इन्वेंशन कैसे किया उन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ही थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो लाइफ एग्जिस्ट, वो खुद को एग्जिस्ट करवाने के लिए इस वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने फेस किया, या फिर क्या क्या उन लोगों ने अचीवमेंट्स की, क्या क्या उन्होंने हासिल किया लाइफ में, वो सभी चीज़ें जो है वो हमारे हिस्ट्री के अंदर कंक्लूड होता है, जिसको हमें स्टडी करने से पता चलता है. तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्ट्री इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस इवेंट्स वन लीडिंग टू अनदर, द प्रेजेंट कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम आज जिस स्टेट में हैं, आज अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं कि वेल लेट मी टेल यू फर्स्ट द थिंग, कि हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट चीजों की इंफॉर्मेशन देती है वन आफ्टर अनदर. इट मींस एक के बाद एक जो चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री हमें देती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसा बोला भी जाता है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट को जाने बिना प्रॉपरली नहीं बनाया जा सकता. ऑलराइट, मतलब पास्ट के आधार पर ही हमारा प्रेजेंट बना हुआ है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने पेड़ पौधे लगाए होंगे, नेचर को बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने ट्रीट किया होगा, जिसकी वजह से आज हमारे सराउंडिंग में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, है ना, हम इतना अच्छे वातावरण में हम रह पाते हैं. और फिलहाल के लिए देखो कैसे हमारा प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर को अफेक्ट करता है. जैसे कि पास्ट हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, वैसे प्रेजेंट भी जो है फ्यूचर को अफेक्ट करता है. आज अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो क्या कल को हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो क्या प्योर एयर में सांस ले पाएगा? डेफिनेटली नॉट, वो नहीं सांस ले पाएंगे प्योर एयर में. और वो किसकी वजह से होगा? वो हमारी वजह से, ठीक है. तो हम अभी एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो कनेक्टेड है टू आवर प्रेजेंट, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे हम जान पाते हैं कुछ कंटिन्यूस कुछ कंटिन्यूस इवेंट्स के बारे में. जैसे कि हमारा फ्रीडम, कंट्री की फ्रीडम की बात करते हैं, आज अगर हम चैन से आज़ादी के साथ रह पाते हैं तो वो क्यों? क्योंकि हमारे जो पिछले जो हमारे कुछ महान लोग थे उन लोगों ने अपना बलिदान दिया इसकी वजह से, राइट, उन लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए लड़ाई की, इस चीज़ के लिए हम आज शांति से रह पाते हैं, आज़ादी के साथ रह पाते हैं, राइट. तो यही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिसको मेरा कहना था कि हमारा पास्ट जो है वो प्रेजेंट को कनेक्ट करता है.
नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। जो हमारा बेसिक नेचर है सोसाइटी का, कैसा ये फॉलो करता है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये सभी चीज़ें भी जो है वो हमें हिस्ट्री से मिलती है। एंड देन इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री, इट इज़ फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री दैट वी कम टू नो द ओरिजिन और एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक टुडे। आज जो हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग हमारे कल्चर है, अलग अलग जगह पे, इंडिया के ही अंदर देख ले, अलग जगह पे अलग कल्चर चलती है ना, अलग जगह पे लोगों के लैंग्वेज अलग चलती है, फेस्टिवल्स अलग चलते हैं, इन सभी चीज़ों का रीजन क्या है या फिर इन सभी चीज़ों का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ये सभी चीज़ें हमें जानने मिलती है हिस्ट्री के अंदर। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि ओनली थ्रू हिस्ट्री वी कैन लर्न अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स फिलोसफी ऑफ ग्रेट मैन लाइक महात्मा गांधी और गुरु नानक, कबीर एट्सेट्रा। दे आर अमोंग अस, दे नॉट अमोंग अस बट देयर टीचिंग्स आर बेस्ट गाइड्स। इसके अलावा हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट कुछ महान लोग, ठीक है, कुछ महान लोगों के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के बारे में, गुरु नानक के बारे में या फिर संत कबीर के बारे में अगर हमें जानकारी लेना हो तो हम किसको रेफर करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। राइट, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसी के थ्रू हमें ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। वेल, यहाँ पे ये भी चीज़ बोला है कि वो लोग तो हमारे बीच में डेफिनेटली प्रेजेंट है नहीं, पर उन लोगों के जो टीचिंग्स है, जो वो लोग सिखा के गए, आज भी वो हमारा बेस्ट गाइड की तरह काम करता है, हमारे लाइफ को यू नो चलाने में एज ए बेस्ट गाइड काम करता है, जो उन लोगों के कुछ ज्ञान थे वो चीज़ें। इसके अलावा उनके लाइफ के बारे में भी पढ़वाते हैं इन सब चीज़ों में। मेरा कहने का ये मतलब था उनके बारे में, मतलब उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया या फिर उनका हमारी कंट्री को क्या क्या योगदान है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम हिस्ट्री रेफर करते हैं। All right, then the study of history inculcates in us the spirit of tolerance and teaches us to live like brothers and to lay the foundation of a bright future. हमें सिखाता है हिस्ट्री ही कि हमें कैसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए, कैसे एंशियंट टाइम के लोग रहा करते थे और आज कैसे हम रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन कैसे रहेगा। तो देन इट इज, यहाँ पे सीधे से हमने जाना और एग्जैक्टली हिस्ट्री इज, हिस्ट्री के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। राइट, हिस्ट्री के अंदर हम कॉन्क्वेस्ट, वॉर्स, इवेंट्स, कुछ कल्चर, रिलीजियस बिलीव्स या ट्रेडिशंस, लोगों के मेडिकल मेडिकल साइंस या फिर साइंस, हर चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज एग्जैक्टली अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पास्ट इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल मटीरियल और रिसोर्सेज। एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो दैट इट, दैट इज इट। थैंक यू।